मैं अजय प्रकाश जंजवार .com से। इस वक्त हम लोग हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में हैं। यह आश्रम बिल्कुल गंगा के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पिछले 186 दिनों से सन्यासी आत्मबोधानंद अनशन पर है। वह अनशन अपने लिए नहीं, अपने आश्रम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए कर रहे हैं। उनकी मांग है कि गंगा को अविरल बनाए रखा जाए, उनकी मांग है कि गंगा से खनन को खत्म किया जाए और गंगा में जो गंदगी ढाई जा रही है, गंगा में जो गंदगी मिलाई जा रही है, उसको रोका जाए। लेकिन हमारी सरकारें जो गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रही हैं, जो सरकारें नमामि गंगे जैसी तमाम बड़ी बड़ी योजनाएँ ला रही हैं, उस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आत्मबोधानंद जी, आपको संघर्ष के 186 दिन आज हो गए, 6 महीने 4-5 दिन। तो यह जो संकल्प है, यह या जिद कहें, ये कितने समय तक आप और जारी रखेंगे और क्या मतलब मांग? ये संकल्प तब तक जारी रहेगा जब तक शरीर रहेगा। अब आज ही दिन 27 अप्रैल को जल छोड़ने का घोषणा किया था 18 अप्रैल को, पर सरकार की तरफ से मैसेज आया कि नहीं, हम मांगों पर विचार करेंगे, हमको समय चाहिए। तो उसी के तहत वो लोग समय मांगा तो 1 हफ्ता का समय दिया, तो 2 मई तक का समय दिया है सरकार को। अगर 2 मई तक सरकार नहीं मांगों पर पूरा मानेंगे तो 3 मई से मैं जल भी त्याग दूंगा, उसके बाद तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और मेरा जाने के बाद मेरा दूसरा गुरु भाई जो है वो तपस्या शुरू कर देंगे और इस कड़ी को, तपस्या का जो कड़ी है, इसको बरकरार रखेंगे। तो संघर्ष का जो नदी और हिमालय को बचाने का जो संघर्ष है, इसमें यही एक फॉर्म आपको क्यों लगता है? क्योंकि सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिए 2 मई को आपको टाल गए तो? टाल गया तो 3 मई से जल छोड़ देंगे। और उपाय क्या है? हम साधु है, सन्यासी है, हम तो कोई नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। हम इतना तो कर सकते हैं, न्यायालय पे जा सकते हैं, पर न्यायालय में जाता है तो ये पता लगता है कि जो NGT जो है, जो 2010 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उससे पहले पर्यावरण उतना शुद्ध था। जब NGT बनने के बाद गंगा जी का तो और ह्रास हुआ है, ना कोई किसी कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो मतलब जो संस्था तो बनी NGT, संस्थाएं जो है वो अपना काम जो है पूरी तरीके से करते हुए बहुत से निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोगों को अपना शरीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आप 26 साल के नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, देश की हालत समझ रहे हैं, तो जब संघर्ष का साथी जब नहीं मिल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा एक बार पीछे हटके फिर से एक नई तैयारी के साथ मैदान में आना चाहिए गंगा को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए? संघर्ष मेन चीज़ है कि स्वार्थ आज के लोगों में वो ये नहीं है कि अगर आप किसी को वेतन मिलने के लिए, किसी का वेतन बढ़ाने के लिए, अपना खर्चा के लिए, मतलब जो आम जो बेसिक नीड्स है, इसके लिए आप अगर सड़क में उतरेंगे तो आपके साथ हजारों लोग आएगा, क्योंकि उन लोगों से डायरेक्ट संबंधित है जो धन जो है, ये तो डायरेक्ट रोज उनको इस्तेमाल होता है। और जो पर्यावरण है, जो उनका असली जो उनको जो जीवन में रखा हुआ, मतलब जीवित रखा हुआ, वो चीज़ वो समझ नहीं पाता है। एक आदमी जो है 1-2 मिनट या 5 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा श्वास भी नहीं रोक के रख सकता है, क्योंकि उसके बाद वो मर जाएगा। और वो ये नहीं समझ पाता है कि वो श्वास जो है हम 2 मिनट नहीं लेगा तो हम मर जाएंगे, वो श्वास कितना कीमती है वो समझ नहीं पाता। तो वैसे ही गंगा जी के साथ है, ये जो पूरा पर्यावरण है गंगा जी है, इसको अगर ये गंगा जी अगर इस तरह से हरास होते जाएगा तो 10 साल के अंदर गंगा जी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आप सोचिए कि 1923 में भगत सिंह जब फांसी चढ़े थे तो कहे थे कि एक भगत सिंह जब मरेगा तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लेकिन इस देश में कुछ हुआ नहीं। तो आप जो सोचते हैं कि आपके संघर्ष के बाद संघर्ष की निरंतरता बहुत व्यापक और बड़ी होगी, इसकी क्या जमीन है? भगत सिंह जी भी ऐसा नहीं है कि उनका बलिदान व्यर्थ में गया, उसके बाद कई सारे नौजवान जो है
उनका ही प्रेरणा लेके स्वतंत्रता आंदोलन में, जैसा हमारा अभी पूर्वजी ने, मैं हमारा कई सारे रिलेटिव जो पुराने लोग थे, वो लोग कहते थे, वो लोग भी कॉलेज जाते थे, फिर जब पता चला ये सब, ये लोग कहते थे हम कॉलेज भी बहिष्कार करके पूरा इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसा नहीं कि, पर मेन हाईलाइट जो है, जैसे भगत सिंह जी, केवल एक भगत सिंह जी अकेला नहीं है, उस पीछे हजारों नौजवान का जिंदगी भी है उसमें, पर वो किसी को पता नहीं। पर ये तो कोई मतलब नहीं रखता है कि हमारा नाम रहे या ना रहे, काम होना चाहिए। ऐसे ही अब मेरा गुरु भाई जो है, वो तो पहले ही कह चुका है कि अगर मेरा शरीर जाएगा तो मेरी जगह पे वो बैठेंगे, इसीलिए वो अभी फलाहार में है। तो इसलिए ये नहीं कि ये कड़ी टूटेगा और सरकार सोचेगा कि नहीं, एक आदमी मर जाने से इस आंदोलन जो है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सानंद जी को इसीलिए ही ये लोग मारा सरकार की, इनका मरने के बाद कोई नहीं रहेगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। अच्छा, अब हमारे बाद दूसरे लोग। आत्मबोधानंद जी, आप खुद पढ़े लिखे हैं, साइंस के छात्र रहे हैं, आप देख रहे हैं इस देश में रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं, सरकारों के लिए कोई मायने नहीं है। वैसे में संघर्ष का जो थोड़ा पीछे हट के रास्ता है कि थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा देश भर में जाएं, लोगों को एकजुट करें, देश भर में जो आंदोलनकारी हैं, इससे थोड़ा आपको नहीं सोचना चाहिए इस पर कि हम फिर से पूरे देश भर में, मतलब सन्यासी के तौर पर, गंगा बचाने के एक सेवक के तौर पर देश भर में जाएं और उनको संघर्ष करके फिर सरकार के लिए चुनौती बने। अगर गंगा जी का काम होना है तो सरकार को खुद अपना ही रिपोर्टों में, अपना ही साइंटिस्ट का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अगर काम करेगा तो उसी में ही पता लग जाए कि जो गंगा जी में आज के समय में डैम खनन, ये STPs के चलते जो ह्रास हो रहा है, ये तो सरकार के पास सब सोल्यूशन है। पर बात ये कि सरकार का मंजा ही नहीं है करने के लिए। अब जनता की बात है कि आप सबको, आप अगर एक साथ लेना भी चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ सब लोग आ भी जाएगा, तो उस समय जो हमारे साथ सब पास समय भी नहीं बचा है। तो आज भी आप देखेंगे हरिद्वार से 96% वाटर जो है गंगा जल, वो डाइवर्ट करके कनाल सब जगह ले जा रहे हैं। मेन गंगा में 4% पानी भी है, और आगे आने वाले समय में, अभी पिछले साल भी 5 परियोजनाओं का स्वीकृति दे दिया है बनाने के लिए, तो वहाँ बनते जा रहा है और हम यहाँ संघर्ष करते, अब समय बचा ही कहाँ। चलिए, बोलने में दिक्कत होती आत्मबोधानंद जी को, 186 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने इनकी बात सुनी और समझा कि संघर्ष का यह अपना एक तरीका है। अब आप इसे जिद कहें, इसे संघर्ष कहें, संकल्प कहें, यह आप पर है, लेकिन एक सन्यासी की ज़िंदगी, 186 दिन हो गए हैं बिना खाए पिए पानी से। मैं देख रहा था जब आया तो इनको सांस लेने में भी, गटकने में भी बहुत समस्या हो रही है। वजन मैंने जब पिछली बार 6 महीने 8 महीने पहले इनको देखा था, तब से आधा हो गया, तब भी पतले थे, लेकिन अब बिल्कुल ही आप देख रहे होंगे किस हालत में हैं। तो अगर इनकी संदेश, इनकी बात, इनका समझदारी आप लोगों तक पहुंचती हो, तो वह संवेदना और संवेदनशीलता अपने अंदर लाइए और सोचिए कि एक सन्यासी को क्या पड़ी है, जिसका न बाल न बच्चा न शादी न विवाह, वह आपकी गंगा के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सांस के लिए, आपकी धड़कनों के लिए अपनी जान देने को, अपनी शहादत देने को तैयार है।